Hey guys, what's up? This is Amir Aslam here, the faculty of English language of Kiran Learners Academy. आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशन के बारे में, है ना, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं. और आप बखूबी जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कितना अहम रोल प्ले करता है. आई थिंक देयर इज नो नीड टू से. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जो आप जानते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं हम, नरेशन के नाम से भी जानते हैं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट, अगर सीजीएल की बात करो तो डायरेक्ट 20-25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है. तो एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये अपने आप में मायने रखता है. फिर सेकेंडली, मैं बार बार अपने हर वीडियोज में और हर टॉपिक को टच करते हुए इस बात को आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर एक पार्टिकुलर आप टॉपिक उठाओ, चाहे नरेशन उठाओ, एक्टिव पैसिव पे आप वर्क करो, कॉमन एरर्स पे वर्क करते हो, या फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे वर्क करते हो, तो मैं बताता हूँ इसको वहीं तक कन्फाइन मत करिए, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है बहुत ही ब्रॉड वे में होने वाला है ना. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नरेशन को अगर आप अच्छे से करते हैं तो साहब कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है. सबसे पहले जो एग्जाम में आप जो डायरेक्ट 20-25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, आप वहां बहुत अच्छे से कर लेंगे. अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर सारे वीडियोस को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चन अगर नरेशन से पूछते हैं तो आप 25 में 25 बहुत इजीली कर लेंगे, क्लियर है. उसके बाद अगर आप नरेशन अगर अच्छे से करेंगे तो फिर कॉमन एरर्स बनाने में भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा. आपको लगेगा यार नरेशन और कॉमन एरर्स बिल्कुल हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज पर ग्रिप होने लग जाएगा, है ना. उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बनाएगा आपको, वहां भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है. तो अब ऐसा आपकी नरेशन जो एक जो चीज है ना, है तो बहुत सिंपल चीज, लेकिन बहुत बच्चे से अफ्रेड होते हैं, डरते हैं, है ना, और उनको समझ में नहीं आता ये चेंजिंग कैसे कैसे होता है ना. तो घबराने की बात नहीं है. मैं जो आपसे भी जो नरेशन पे मैं बात करूंगा, मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, है ना, मैं हर क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन के एक एक पहलू को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्लियर है. क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस क्वेश्चन को सोल्व कर देना नहीं है, क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए, है ना, ताकि एग्जाम में या फिर कभी आप जब नरेशन बनाना चालू करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप सोल्व करना चालू करो, तो आप खुद ब खुद अच्छे से बनाने लग जाए. तो मैं क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूंगा. वैसे अगर आप नरेशन अच्छे से कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर देता हूं कर दूंगा, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान देके बनाएंगे, सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे, क्लियर है, तो फिर मेरे समझ से 4 से 5 सेकंड में, ठीक है ना, आप नरेशन का एक क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लेंगे. 4 से 5 सेकंड बहुत ज्यादा है ना. लेकिन अभी 4 से 5 सेकंड में मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा. क्यों? चूंकि मैं क्वेश्चन पर आपसे मैं डिस्कस करूंगा, है ना, चर्चा करूंगा, उसके एक एक पहलू को मैं आपके सामने रखूंगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एग्जाम में कहां पर आपको ट्रैप कर सकता है, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, क्लियर है, ताकि आपका बेसिक काफी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है. तो अब है कि नरेशन कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, सेंटेंस कैसे इसमें पूछे जाते हैं, ये क्या है, रूल्स है, क्या रेगुलेशन है. मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आता चलेगा, उस क्वेश्चन पे बेस्ड ऑन मैं आपको बताता चलूंगा. जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, है ना, मैं वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन है कहां से आया है, इसमें मुझे क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान नहीं देनी है, क्लियर है. मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको डिस्कस करता चलूंगा, क्लियर है. तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने स्क्रीन पे है. तो आप देखते हैं इसमें कहता है कि दमन सेज प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद. अब इसमें मैं 2-3 चीजें आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको सामने दे चुका हूं, अब इस पर आपको समझने की आप कोशिश करोगे. सबसे पहले कि जो नरेशन से जो आपको क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछता है, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के भी नाम से जानते हैं, जो आपके पूछता है वो 2 तरीके से पूछता है. या तो सेंटेंस आपका डायरेक्ट में दे देगा, और जो ऑप्शन जो 4 ऑप्शन होते हैं वो आपसे मांगेगा कि इनडायरेक्ट में आपसे ऑप्शन देकर वो आपका सही आंसर आपसे डिमांड करेगा. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ही ऑलरेडी इनडायरेक्ट में हो, क्वेश्चन ही ऑलरेडी क्या हो, इनडायरेक्ट में हो, फिर वो आपसे मांगेगा कि इसका डायरेक्ट, जो 4 ऑप्शन होंगे ना वो डायरेक्ट में होंगे, वो आपसे मांगेगा कि इसका जो डायरेक्ट में ऑप्शन जो है वो आंसर क्या होगा, क्लियर है. कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, या क्वेश्चन 2 तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा. बट डोंट वरी एट ऑल, घबराने और डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होता है, तो फिर चीजों को समझने में और चीजों को करने में वक्त नहीं लगता. तो एक तो चीज मैंने आपको ही बता दिया कि 2 तरीके से पूछता है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट. अब मैं एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि जिस तरह मैंने आपको एक्टिव पैसिव जो मैंने आपको 10-12 वीडियोज मैंने आपको दिया, उसको देखिएगा काफी अच्छे से, वहां पर मैंने सेंटेंस को तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश किया है ना. तो यहां भी मैं आपको समझाऊंगा. तो यहां भी मैं एक बात कहूंगा कि नरेशन को भी सोल्व करने के लिए थोड़ा सेंटेंस की समझ आप
आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा जब आप सेंटेंस को समझ जाएंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि अब इसको हमें चेंज कैसे करना है। क्लियर है ना, चेंज हमें कैसे करना है। तो मैंने कहा ना कि मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, आपके एक एक क्वेश्चन के एक एक पहलू पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि इस बेस्ट पर फिर कहीं कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। तो आप जानते हैं कि जो नरेशन जो होता है ना, देखिए ये दो पार्ट में वो डिवाइड होता है। जैसे एक कहता है कि यहां से आप देख सकते हो कि है ना कि दमन सेज, और दूसरा कहता है कि प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद। कहता है कि इसमें एक को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और एक को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर है ना? अब जो ये जो पार्ट आप देखते हो कि दमन सेज, उसके बाद आप देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में हमारा ये बंद होता है। ये जो आप देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमाज, इसमें दूसरा पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो ये जो पार्ट आप देखते हो कि दमन सेज जो आप देख रहे हैं, क्लियर है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट बाद में होता है अर्थात जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है, क्लियर है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो साहब अब हमें ये चीज को ही देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है ना वो किस सेंटेंस में, सेंटेंस की पहचान होनी जरूरी है। उससे क्या होता है, उससे होगा ये कि आपको सोल्व करने में आसानी होगी, है ना। मैं आपको बताता चलूंगा आहिस्ता आहिस्ते, मैं इसी में बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पर आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने नरेशन पढ़ा है तो भी बहुत अच्छे से और समझने में आ जाएगा, बहुत पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, उन्हें भी ये चीजें काफी अच्छे समझ में आएगी। अब देखिए नरेशन से जुड़े दो तीन पहलू को हम ये समझ लेना कि ये जो पहला पार्ट आप जो देख रहे हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में कि दमन सेज, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो सेकंड जो पार्ट आप देख रहे हो जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब करना क्या होता है कि देखिए ये सेंटेंस हमारे डायरेक्ट में है, क्या है ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में पहचान क्या है डायरेक्ट स्पीच की, देखो डायरेक्ट स्पीच की पहचान ये कि सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड किया रहेगा। सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस दो भाग में बंटा हुआ होगा, ठीक है ना, और उसका एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से घिरा होगा। ये जिस तरह से एक पार्ट आप देख रहे हो, क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा से वो घिरा होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा। डायरेक्ट की पहचान ये है। इनडायरेक्ट की पहचान ये होती है कि इनडायरेक्ट में एक सिंपल पहचान जानो कि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होगा। जो इनडायरेक्ट होगा उसमें ये जो आप देखते हो ना इस टाइप से बना हुआ इन्वर्टेड कॉमाज, क्लियर है, ये आपका इनडायरेक्ट में नहीं होता है। एक बहुत अच्छी पहचान ये है। और इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान ये होती है कि सेंटेंस एक ही होगा, बस एक ही सेंटेंस होगा, है ना। जो ऊपर एक जो रिपोर्टेड आप स्पीच देखते हो, रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं अलग अलग, है ना, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होगा, वो पूरा एक क्लियर सेंटेंस होगा, इन्वर्टेड कॉमास वहां पे नहीं होगा। एक चीज है साहब, हम करते क्या है नरेशन बनाने, तो हम करते क्या है इसमें, एक्चुअली हम करते ये है कि जब एक होता है सेंटेंस जो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट जो बोला होता है तो उसको हमने दो पार्ट में बताया ना कि वो डिवाइड होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहते क्या है कि दूसरे की कही हुई बातों को, है ना, अपने वर्ड में अपने शब्द में कह देना, दैट इज अ इनडायरेक्ट नरेशन। हम कुछ चेंजिंग इसमें करते हैं, तो इसमें हम चेंजिंग क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वक्त, कि ये जो आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा जो देखते हैं आप, तो इन्वर्टेड कॉमा इसको सबसे पहले हम देखते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को भी हम चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हम चेंज करते हैं, फिर ये जो आप देख रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब हम इसको भी चेंज करते हैं, क्लियर है। उसके बाद आप जो रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हो इसमें हम क्या क्या चेंज करते हैं, तो इसमें हम टेंस चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो आपने पढ़ा है पर्सन को प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा, वो पर्सन को चेंज करते हैं और एडवर्ब को हम चेंज करते हैं। इन चीजों पे ध्यान देना है। ये तो हम समझ गए कि भाई हमें चेंज करनी है, अब कैसे चेंज करनी है, कब करनी है, इस पे ध्यान दे दीजिएगा। कि देखिए याद रखिएगा कि जब कभी जो रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो आप रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, ये जब पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ये जो आप देख रहे हो ना रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस तभी चेंज होगा जब ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। लेकिन जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो आप देख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो जाए, प्रेजेंट टेंस में हो जाए या फ्यूचर टेंस में हो जाए, क्लियर है, तो फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप घबराए नहीं, एक एक क्वेश्चन को मैं सीरियल वाइज जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरह से क्वेश्चन आपको मैं दिखाता चलूंगा और मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि जब कभी भी जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो इधर हम रिपोर्टिंग जो स्पीच का जो हम टेंस चेंज करते हैं, मैं ये बता रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रोवर्ब हो, ठीक है ना, या कोई आपका जनरल हैबिट हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, जनरल हैबिट हो,
क्लियर है? तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते, ठीक है ना? कोई प्रोवर्ब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो, है ना, इसी तरह अगर आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, कोई जनरल हैबिट हो, है ना, कहते हैं वो हमेशा बाएं हाथ से लिखता है, क्लियर है? तो सब क्या एक जनरल हैबिट है, तो ये हमारा नहीं बदलेगा, ये चीजें हैं। अब हम देखते चलते हैं कैसे कैसे हम नरेशन को, हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, मतलब एक एक पहलू को उठा उठा कर मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपका ग्रिप हो नरेशन पर इतना कि फिर जब आप बनाओ 4 से 5 सेकंड में आपका एक नरेशन बन जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है? पहला क्वेश्चन कहता है कि दमन सेज प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद। यहां पर आप दो चीज ध्यान दीजिए, दो चीज आपको ध्यान देना यह होगा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो दमन सेज आप जो यहां पर देख रहे हैं, दमन सेज ये जो आप रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट में है, सेज प्रेजेंट में, क्लियर है? अब जहां हमने देख लिया कि दमन सेज, अच्छा रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है, तुरंत माइंड में एक बात स्ट्राइक की कि अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच को जो हम देख रहे हैं इसका टेंस चेंज नहीं होगा। नंबर वन, टेंस चेंज नहीं होगा, क्लियर है? जनरल जो हम टेंस चेंज करते हैं, टेंस चेंज हम कैसे करते हैं कि प्रेजेंट के जितने हैं, प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट में चले जाते हैं अपने सेम ग्रुप वाले में, अर्थात प्रेजेंट डिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ना प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, नहीं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। और फिर और टेंस कैसे चेंज करते हैं, फिर पास्ट इंडिफिनिट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूंगा ये चीजें। तो यहां पर जहां आपने देखा सेज ये प्रेजेंट में है, अर्थात अब ये जो आप देख रहे हो रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि साहब ये कौन सा सेंटेंस है, जो लिखता है कि प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद, ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए सेंटेंस की समझ होना इसलिए जरूरी होगा, तभी आपको चेंज करने में आसानी होगी, तो आप ये समझ सकेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, उस हिसाब से इसका आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, उस हिसाब से इसका आपका इनवर्टेड कॉमा आपका चेंज होगा, क्लियर है? तो अभी आप देख रहे हो कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। पहचान असर्टिव सेंटेंस की क्या है, कि वो कोई नाउन या प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट होगा। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होगी जिसका सब्जेक्ट होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। आप यहां देखते हैं कि यहां पर एक नाउन प्रिया है, क्लियर है? ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो अब याद रखिएगा ये चीज को कि दमन सेज, ठीक है ना, दमन सेज, तो अगर सिर्फ इतना ही है कि दमन सेज, तो सेज को हम सेज में ही रहने देते हैं, एक चीज। दूसरा याद रखिएगा कि जब कभी भी असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो ये जो आप इन्वर्टेड कॉमास को आप देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट में चेंज करते हैं, काहे में चेंज करते हैं, डैट, क्लियर है? इनवर्टेड कॉमा को हम डैट में चेंज करते हैं, एक चीज। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि चूंकि ये प्रेजेंट में है, तो अब इसका टेंस चेंज नहीं होगा, है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। अब ऑप्शन जो है इसका क्या, वो तलाश करते हैं। तो अब यहां कहता है, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि दमन से, दमन से क्यों, क्वेश्चन में दमन सेज, यहां पे दमन से क्यों, गलत हो गया। दमन के साथ अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमेशा भी फाइव आएगा, जिस तरह क्वेश्चन में सेज है, यहां से किया है, गलत। देखिए इसमें कितनी गलती किया है, अगर आप यहां से नहीं देख पाए, आगे देख लो, क्या कर दिया, प्रिया वोज, प्रिया वोज नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कहता है कि दमन सेड डैट, सेड डैट क्यों किया, सेड डैट नहीं होगा, जब ये प्रेजेंट में है तो ये सेड नहीं होगा, क्लियर है? एक यहां, अगर यहां नहीं पकड़ पाए गलती तो आगे देख लो, क्लियर है? यहां पर क्या कर दिया है, वोज, गलत, प्रेजेंट में ही चाहिए। फिर आगे फिर कर दिया है कि दमन सेड नहीं होगा, क्लियर है? दमन सेड नहीं होगा, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या कर दिया है कि प्रिया वर्क्स, वर्क्स क्यों, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंटिन्यूअस को इंडिफिनिट करते हैं, ये भी गलत। अब देखते हैं ऑप्शन चार में, देखते हैं कि दमन सेज, ऑलरेडी दमन सेज क्या है, और अब मैंने बताया ना कि सेंटेंस जब असर्टिव होगा तो इन्वर्टेड कॉमास को हम डेट में चेंज करते हैं, तो यहां भी डेट इन्वर्टेड कॉमा डेट में चेंज किया है। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा देखिए डेट में हर जगह, सब ऑप्शन में डेट में चेंज किया है, लेकिन उसका आगे जो टेंस चेंज करने वाली बात है वहां मिसिंग कर दिया है, कहीं कहीं आपको रिपोर्टिंग और मिसिंग किया है। तो डेट भी है, उसके बाद ऑलरेडी प्रिया है, इज वर्किंग इन अहमदाबाद, है ना, आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है? मैं इतना आपसे डिस्कस एक एक पहलू पर इसलिए कर रहा हूं
ताकि आप समझ सको चीजों को। जब आप चीजों को समझ जाएंगे क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व करने लगेंगे। जब आप चीज को समझ जाएंगे तो फिर नैरेशन का एक क्वेश्चन सोल्व करने में 4 से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब इतना में आपने सीख लिया, क्या सीख लिया कि अगर ये फर्स्ट पार्ट जो जो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कहते हैं कि अगर प्रेजेंट में होगा है ना, तो फिर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा और सेंटेंस असर्टिव में होगा, इनवर्टेड कॉमा डेट में होगा। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं दूसरा आ गया, अब फट से ना देखोगे अच्छा ये प्रेजेंट में है, अब आप सबसे पहले देख लो कि ये इस पार्ट का जो है टेंस चेंज नहीं होगा। जहां जहां आप देखा कि टेंस चेंज है तुरंत आप उसको काटोगे, जहां देखोगे टेंस चेंज नहीं है वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है आंसर होने की, उसके बाद देख लीजिएगा फट से रिपोर्टिंग वर्ब को डेट में चेंज किया है कि नहीं। इसे जो चेंजिंग करने के हैं अगर 2-3 ऑप्शन से आप काट दें तो 1-2 बचेगा, 4 से 5 सेकंड एनफ हो जाएगा अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट बन गया तो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी फिनिश। दो बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है अनसेड इट इज टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग। अब देखो यहां पर क्या आ गया, ये जो आप रिपोर्टिंग वर्ब देखिए आ गया पास्ट में, तो मैं क्या बताया था कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा है ना, तो फिर ये जो आप देख रहे हो रिपोर्टेड स्पीच इसका टेंस चेंज हो जाता है। इसका टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। इज एम आर होगा तो वॉज वर्ब में बदल जाएगा है ना, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। क्लियर है। तो अब साहब दो, एक चीज आपने देखा कि भाई अन्य सेड यहां पर है अर्थात पास्ट में है, अर्थात अब ये जो पार्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होने का है। उसके बाद आप फिर देखो कि सेंटेंस क्या है हमारा, तो पता चला कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है। क्यों, मैंने कहा ना कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान भी बताया था कि ये कि वो कोई नाउन या प्रोनाउन शुरुआत होगा अर्थात उसका सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। फिर यहां पर आप देख रहे हो इट एक प्रोनाउन है अर्थात सब्जेक्ट हमारा ये सेंटेंस हमारा क्या असर्टिव है। और आप जाने जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कॉमास को हम डेट में चेंज करते हैं है ना। अब यहां पर कहता है कि क्या बोलता है, कहता है कि ही सेड, क्या बोलता है कि ही सेड। अब आप जाने ही सेड का ही सेड ही रहेगा है ना, ही सेड का ही सेड रहेगा। अगर ही सेड के साथ ऑब्जेक्ट आता ही सेड टू मी तो असर्टिव सेंटेंस में फिर उसे हम जनरली टोल्ड में बदल देते हैं है ना। सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता ही सेड टू मी या ही सेड टू हर तो फिर हम इनडायरेक्ट बनाते तो फिर हम उसे टोल्ड में चेंज करते, लेकिन यहां चेंज नहीं होगा, यहां पर क्या जस का तस रहेगा। तो फिर देखते अन्य सेड हो गया, उसके बाद ये जो आप इनवर्टेड कॉमास देख रहे हो इसको हमें किस चीज में चेंज करना है, इसे हमें चेंज करना है डेट में। क्यों, सेंटेंस हमारा असर्टिव है ठीक है, तो डेट। उसके बाद हमें क्या करना है, इज जो है इज, आप जान रही हमारा वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, यहां होगा वॉज। क्लियर है। तो पहला ही ऑप्शन बहुत बहुत पॉसिबिलिटी दे रहा है कि हमारा ऑप्शन हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अन्य ठीक है, अन्य सेड इनवर्टेड कॉमा डेट में क्या है, डेट। क्लियर है, इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग। ऑप्शंस बहुत बहुत लग रहा है कि यही होगा। आइए देखें हम दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। देखिए यहां पर कर दिया है कि अन्य टोल्ड, देखिए टोल्ड नहीं होगा है ना। सेड को हम टोल्ड में तभी बदलते हैं जब सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो है ना, जैसे सेड टू मी। अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टोल्ड में नहीं बदला जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि टोल्ड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए एक लाइन में। कॉमन यूजर्स में भी अक्सर ये गलती आपको पूछता है कि एक सेंटेंस दे देगा टोल्ड यूज करेगा उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं देगा, तो अलर्ट रहिएगा टोल्ड तभी होगा जब उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वहां पर सेड आएगा ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि इसका टोल्ड, यहां पर कोई मेरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, टोल्ड नहीं होगा, यहीं पर फिनिश ठीक है ना। चूंकि पास्ट में है ऑलरेडी तो इसका टेंस चेंज भी होना चाहिए, नहीं हुआ, गलत, दो जगह यहां पे गलती किया है। आगे में कहता है कि अन्ना सेड को तो सेड रखा है, लेकिन आप देखो इनवर्टेड कॉमा हमें डेट में चेंज करना था, इनवर्टेड कॉमा को यहां से गैप किया है, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर भी बदल दिया है ना, ये सेंटेंस भी हमारा नहीं होगा। अगला फिर चौथा देख लेते हैं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखो इसमें कहता है कि ऑलरेडी अन्ना सेड डेट ठीक है ना, कहता है इट वॉज टाइम फॉर द मीटिंग, इट वॉज टाइम फॉर द मीटिंग, और जो पार्ट है सेंटेंस के कि टाइम टू लीव ये यहां पे खत्म कर दिया है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जो सेंटेंस में वो तो हमारा आना चाहिए ना, तो हमारा ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, फर्स्ट में आपने देखा टेंस चेंज नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो आपका है रिपोर्टिंग वर्ब का ये आपका प्रेजेंट में था, यहां हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो आप देख रहे हो वर्ब है ये पास्ट में, दैट्स व्हाई इस पार्ट का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चेंज हो रहा है। तो
पहले मैंने शुरू में एक बात बताया था कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज कर देते हैं, मगर मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और जो है रिपोर्टेड जो स्पीच में कोई प्रोवर्ब आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई जनरल हैबिट आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर उसका टेंस चेंज नहीं करते, है ना। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी पर बेस्ड ऑन है। एक हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, आई सेड वॉटर इज इजेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है ना, आई सेड वॉटर इज इजेंशियल फॉर लाइफ। अब यहां पर देखिए, आई सेड आप देख रहे हैं कि पास्ट में है, आई सेड ये पास्ट में है ना। तो अब तो जो ये पार्ट है जो कि हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, टेंस तो चेंज होना चाहिए था, ये जाना ना। लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, या फिर आपका कोई प्रोवर्ब हो, कोई जनरल हैबिट हो, तो उसे हम चेंज नहीं करते। अभी कहता है कि वाटर इज इजेंशियल फॉर लाइफ, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वाटर के बगैर हम लाइफ की उम्मीद नहीं कर सकते, लाइफ का इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पानी लाइफ के लिए जरूरी, वाटर आज है ना, मैंने कल था आज नहीं है, कल भी था आज भी और हमेशा रहेगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट्स इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सीधा ऑप्शन क्या होगा, कुछ होगा, क्या करना है, आई सेड तो आई सेड में रहेगा, है ना। और आप देख रहे हैं कि वॉटर इज कहता है कि इजेंशियल फॉर लाइफ, है ना, यहां पर मुझे क्या कर देना होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट में चेंज करते हैं, है ना। देखिए पहला क्या है कि वॉटर इज इजेंशियल फॉर लाइफ, वर्सेड नहीं होगा, क्लियर है। दूसरा देखिए, एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे कि जब कभी भी हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, शुरू में ना होकर बीच में हो या लास्ट में हो, डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो हमेशा फर्स्ट में होगा, है ना। देखिए यहाँ पर उससे क्यों इसको आपको गड़बड़ाया है, अब फिर वॉज सेड बाई मी सब कहां से ला दिया, ये नहीं होगा। दूसरा कहता है कि आई टोल्ड, अभी आप जानते हैं कि टोल्ड नहीं होगा, तुरंत आपके जहन में स्ट्राइक करेगा, क्यों, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, फिनिश नहीं होगा। दूसरा फिर यहां पर वॉज कर दिया है, यहां देखो इससे पता चल रहा है कि नहीं होगा। तीसरा कहता है कि आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड क्यों, एक्सक्लेम्ड कहां करते हैं, जब सेंटेंस एक्सक्लामेटरी हो, है ना, हमें तो सेट को बस सेट उतार देना है। देखिए ये सेंटेंस भी हमारा गलत होगा, क्योंकि एक तो यहां पर एक्सक्लेम्ड कर दिया है गलत, एक दूसरी गलती यहां पर क्या किया कि फिर वॉज कर दिया है, सेंटेंस चेंज, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। आगे कहता है आई सेड रखा, देखिए डेट इनवर्टेड कॉमा चेंज किया, कहता व्हाट इज इजेंशियल फॉर लाइफ, इसमें देखिए इज कहीं आपका टेंस चेंज नहीं किया, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4, है ना। अगर इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पहलू को मैं टच कर रहा हूं, अगर आपने सबसे क्लियर कर लिया, है ना, तो क्या आपको नहीं लगता एक 4 से 5 सेकंड काफी है, हाँ बिल्कुल 4 से 5 सेकंड एनफ, 4 से 5 सेकंड में आप क्लियर कर लोगे। बस आप सेंटेंस को देख लो, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, ये देख के आप समझ जाओ कि अब इसका, आप फिर याद रखना कि कौन सा सेंटेंस है और फिर इसका इन्वर्टेड कॉमा कहां हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो अगर आपका याद रहा आधा नरेशन ऐसी बन गया, फिर उसके बाद आपको देखना होगा मेन वर्ब, कि मेन वर्ब याद रखना होगा कहां कहां कैसे कैसे चेंज होता है, तो आता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। आपने पढ़ा भी होगा इस चीज को, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिए टेंस कैसे चेंज होता है। देखिए आगे कहता है कि द टीचर सेड टू हिम, है ना, इज नॉट पॉवर्टी अ कर्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहां पर एक देखिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा कि देखो इसका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन बजाते मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन के एक पार्ट को डिस्कस करूंगा, है ना, ताकि एग्जाम में या फिर कहीं आप नरेशन बनाओ तो आप ट्रैप नहीं करो। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक चीज तो आप जान गए साहब कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है ना, बदल जाता है ना, वो सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ है और फिर कोई प्रोवर्ब या जनरल हैबिट नहीं होनी चाहिए, बदल जाता है, आप तो समझ गए हो। दूसरा चीज याद रखना, मैं ये कह रहा था ना कि सेंटेंस को पहचानो, अब पहला एक दो सेंटेंस आपने देखा तो असर्टिव था, ये सेंटेंस जब आप गौर से देखिएगा तो पता चल रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि सेंटेंस या तो एक्सिलरी वर्ब से चालू होगा, सेंटेंस या तो एक्सिलरी वर्ब से चालू होगा या तो कोई डब्ल्यू एच वर्ड से चालू होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, है ना, व्हेन, व्हाई, वेयर, क्लियर है, या तो कोई डब्ल्यू एच वर्ड से चालू होगा, ठीक है ना, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, कुछ भी हो सकता है, या तो एक्सिलरी वर्ब से चालू हो सकता है या तो आपका डब्ल्यू एच वर्ड से चालू हो सकता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी एक चीज आपको याद रखना है कि सेंटेंस
यदि इंट्रोगेटिव हो और हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना, तो ये जो आप सेड देख रहे हो, सेड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड, ये जनरली आस्क्ड में बदल जाता है। काहे का बदल जाता है? जनरली आस्क्ड में बदल जाता है। जनरली कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आस्क्ड में ही बदलेगा, हो सकता है कभी इंक्वायर आ जाए, इंक्वायरी ऑफ आ जाए, हो सकता है कभी वॉन्ट टू नो आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंटेंस के सेंस के हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं, लेकिन जनरली याद रखिएगा आस्क्ड में बदलते हैं। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो याद रखिएगा कि जब इसकी जो शुरुआत है ना, अगर एक्सिलरी वर्ब से हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो इस एक्सिलरी वर्ब से इसकी शुरुआत होती है, तो फिर इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? फिर इसके साथ हम या तो, माने जो इन्वर्टेड कॉमा जो आप देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा में या तो इफ या तो वेदर। इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में चेंज करते हैं? इफ या वेदर में चेंज करते हैं। कि दो चीज अगर आप जान गए तो जनरली आप आंसर आप कर दोगे, इसी में कर दोगे, अगर ये याद रहा तो। तीसरी बात याद रखना कि टेंस तो चेंज होगा ही, अपने जगह पे है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव देख रहे हो, जब हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम इसे चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में। समझे? अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव चेंज हम करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होता है ना। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ नहीं करते, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं एक्सिलरी वर्ब, लास्ट में लिखते हैं फुल स्टॉप, लास्ट में हम फुल स्टॉप देते हैं। तो यहां भी यही करना है, कुछ करना ही खास है नहीं, इसको आस्क में बदलने का है, और जिन इनवर्टेड कॉमा को हम इफ है वेदर में बदल देंगे, और टेंस चेंज करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव फॉर्म दे देंगे। क्लियर है? सब चीजों का ध्यान रखिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन इसी तरह आपसे डिस्कस करता हुआ सॉल्व करूंगा। तो सेंटेंस आपने देख लिया कि इंट्रोगेटिव है, भैया चालू किस चीज से है? एक्सिलरी वर्ब से चालू है। तो आप बोलिएगा कि सर आपने बोला है कि एक्सिलरी वर्ब से चालू होगा तो इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर में होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए तो क्या होगा? वेन आ जाए तो क्या होगा? वाई आ जाए, ये कोई सा आ जाए तो क्या करते हैं? तो फिर याद रखिएगा वहां पे इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं, और ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है, इसको हम जस का तस लिख देते हैं, और फिर वहां पर हम कोई दूसरा कंजक्शन हम यूज नहीं करते, कोई इन्वर्टेड कॉमा के लिए कोई दूसरी चीज इफ वेदर डेट यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। कमिंग क्वेश्चन में वो आएंगे, वो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं, तीन चार चीज हम समझ गए। तो अब हमें सेट टू को आस्क्ड में बदलना है ना, सेट टू को कै में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, कहता है कि द टीचर आस्क्ड, भैया आस्क्ड में तो बदला है, उसके बाद हमें इन्वर्टेड जो कॉमाज आप देख रहे हो इसको हमें इफ या वेदर में चेंज करना है। यहां फिनिश इफ या वेदर किया नहीं, डायरेक्ट इस पर वर्ड नॉट कर्स कर दिया। कहने का मतलब है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव भी नहीं बनाया, पूरा का पूरा गलती। दूसरा कहता है कि द टीचर आस्क्ड हिम, द टीचर आस्क्ड हिम किया, अच्छी बात है, इन्वर्टेड कॉमा में देखो, देखिए इफ में चेंज किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब देखिए सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव था, इसको इसने अफर्मेटिव फॉर्म भी दिया है। नहीं, फिर अफर्मेटिव, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? अकर्स, देखिए डायरेक्ट दिया है, सॉरी कि इज नॉट पॉवर्टी अकर्स, पॉवर्टी को पहले लिखा है कि पॉवर्टी वॉज नॉट अकर्स, है ना। पॉवर्टी जो पॉवर्टी आपका सब्जेक्ट बनेगा, है ना, पॉवर्टी आपका पहले आ गया, अफर्मेटिव ऐसे ही बनाएंगे ना, जैसे लिख दिया मैंने सब्जेक्ट तब एक्सिलरी वर्ब, है ना। तो लिखा है कि पॉवर्टी, यहाँ इस तरह पर वॉज क्यों हुआ? चूंकि आप जान रहे हैं कि इज एम आर अगर डायरेक्ट में होगा और सेंटेंस अगर पास्ट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर हम उसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर, ठीक है। तो कहता है कि इफ पॉवर्टी वॉज नॉट अ कर्स, ऑप्शन नंबर टू, क्लियर है। ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ चेक करते हैं होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। कहता है द टीचर आस्क्ड हिम, सर आस्क्ड हिम तो किया, उसके बाद इफ या वेदर कहां चला गया? सर इफ या वेदर भी नहीं है, और फिर वॉज तो किया है, इफ या वेदर नहीं तो ऐसी गलत, और क्या गलती कर दिया? कि साथ साथ सेंटेंस को जो कि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देना था वो भी नहीं दिया, वॉज पॉवर्टी की यानी पॉवर्टी वॉज होना चाहिए था, गलत, और साथ साथ आपका इफ वेदर को भी गैप कर दिया, दूसरा ऑप्शन जो नहीं होगा। तीसरा देखो क्यों नहीं हो सकता है, कहता है द टीचर आस्क्ड हिम तो किया, उसके बाद वेदर भी किया, बहुत अच्छी बात, इफ या वेदर दोनों में से कोई भी आ सकता है साहब। फिर कहेगा सर देखिए सेंटेंस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी दे दिया, पॉवर्टी इज नॉट अकर्स कर दिया, बिल्कुल सही, लेकिन टेंस चेंज कहां किया साहब? इसको वॉज वर्ब में होना चाहिए था ना, नहीं क्या? इसको इस छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर फोर भी खलास,
है ना। तो लास्ट हमारा ऑप्शन क्या बचता, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, तो मैं टोटल क्वेश्चन में आपसे इसी तरह मैं डिस्कस करता चलूंगा, उसके एक एक पहलू को उठाकर, कहां गलती है, क्यों किया, यहां पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ताकि आपका दम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप एग्जाम में बैठे, आप बनाए, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप 20 क्वेश्चन बनाए तो 20 में 20 में 20 आपका मार्क्स होना चाहिए, अगर आप 25 क्वेश्चन करो तो 25 में 25 आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यू डिड नॉट रिटर्न योर बुक यस्टरडे सेड द लाइब्रेरियन। याद कीजिए मैंने शुरुआत में क्या बोला था, मैंने कहा था ना कि ये जो आप जो रिपोर्टिंग वर्ब जो आप देखते हो, रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर जैसे देखिए सेड, सेड क्या है, सेड है ना लाइब्रेरियन, मैंने अभी फर्स्ट में मैंने बताया था कि ये जो आप रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हो सकता है सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है सेंटेंस के अंत में भी हो, सेंटेंस के लास्ट में भी हो। क्लियर है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट में ही लिखा जाएगा। क्लियर है, वो जनरली वो फर्स्ट में ही लिखा जाएगा। अब आइए साहब, अब हम इसको देखते हैं। तो पहले हम इसको कहते हैं कि सेड द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन सेड द लाइब्रेरियन, सेंटेंस हमने देख लिया कि पास्ट का है, अखट से ध्यान में आ गया कि अच्छा पास्ट का अब टेंस चेंज होना है, टेंस चेंज अब होना है। दूसरी बात हमने ये देख लिया कि अच्छा ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, तो पता चला ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। दो चीज फिर से बोलते हैं, क्यों असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत है ना, अर्थात उसका सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, आप यहां पर देख रहे हो यू क्या है, प्रोनाउन है ना, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। और आप जान लें जब असर्टिव सेंटेंस होगा अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा तो इनवर्टेड कॉमा काहे का में चेंज होगा, डेट नहीं, वी चेंज इनवर्टेड कॉमास इनटू डेट है ना, डेट में चेंज करते हैं। अब आइए इसे पकड़ते हैं। तो अब चूंकि यहां पे द लाइब्रेरियन सेड है, तो द लाइब्रेरियन सेड का द लाइब्रेरियन क्या रहेगा, सेड ही रहेगा है ना, टोल्ड आएगा नहीं, क्यों, टोल्ड तब चाहिए जब ऑब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट में देखते हैं, ट्राई करते चलते हैं, कहता है द लाइब्रेरियन सेड, सही है सर, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है तो इनवर्टेड कॉमा डेट में चेंज होगा, डेट यहां भी है, बिल्कुल सही है। अब आपको देखो, अब कहता है कि यू डिड नॉट रिटर्न योर बुक, किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज कहां हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज कहां होता है, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आप जानते हैं कि हेड होता है ना, हेड प्लस वी थ्री। तो अब देखो डेट के बाद चूंकि डिड है ना, डिड आप जानते हैं डिड हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, डिड है तो हमें पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, अर्थात हमें एक्सिलरी वर्ब क्या चाहिए, हैड प्लस वी थ्री। तो डेट के बाद अब देखो पर्सन भी चेंज करना है हमें, तो पहले पर्सन भी देख लीजिए, पर्सन कैसे चेंज करते हैं, आपने यू देखा सेकंड पर्सन है, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो देखिए पर्सन कैसे चेंज होता है ये मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, क्लियर है, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा सन, एस ओ एन सन है ना, 123 साहब, ये क्या लिख दिया साहब, सन 123। ये मैं आपको ये समझा रहा हूं कि याद रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग जो स्पीच देख रहे हो इसमें यदि सेकंड पर्सन, इसमें पहले आओ फर्स्ट पर्सन, कि इसमें यदि फर्स्ट पर्सन मौजूद हो रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन अगर मौजूद हो है ना, तो याद रखना कि ये रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन हो, जैसे यहां पर देखो यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हो, तो ये जो सेकंड पर्सन होता है ना ये आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा है ना। और यदि थर्ड पर्सन आ जाए किसमें, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन आ जाए तो कहता है एन से नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन होगा
तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, इसको लिख लो। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि जब कभी भी सर अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन तो हो, सेकंड पर्सन जैसे यू है तो हो, और लेकिन रिपोर्टिंग जो वर्ब आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे भाई? सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे? तो हम करते क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यू जो सेकंड पर्सन को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में खुद से चेंज कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में खुद से चेंज कर देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब क्वेश्चन में फिर आ जाओ। देखो तो क्या कहता है, लाइब्रेरियन सेड, चूंकि असर्टिव सेंटेंस आपने डेट में कर दिया, हमें यू को चेंज करना, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है ना, यहां आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन आपका ही, बिल्कुल ही हो गया है। अब ये चूंकि डिड नॉट रिटर्न है ना, तो हमें पास्ट परफेक्ट में चाहिए हैड प्लस भी चाहिए, तो क्या चाहिए? हैड, देखिए हैड यहां, हैड नॉट रिटर्न, क्लियर है? फिर योर, योर सेकंड पर्सन है ना, फिर इसे भी हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फिर थर्ड पर्सन, चूंकि हम इसे थर्ड पर्सन में ही चेंज करके, मैंने ही लाया है ना, यहां पर ही आया है तो ही, ठीक है, तो ही के हिसाब से जो हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? योर, बिल्कुल सही, हिज बुक, क्लियर है? अब आगे देखो कि जब हम टेंस चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं तो जो लास्ट ये सब जो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, जिसे हम एडवर्ब करते हैं, इसे भी चेंज होना होता है, अर्थात एस्टरडे को हम प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, ठीक है ना? एस्टरडे को हम क्या चेंज करते हैं? प्रीवियस डे में, याद रखिएगा, डेट इज अ प्रीवियस डे। क्यों है प्रीवियस डे? क्योंकि यहां पर है एस्टरडे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही होगा, है ना? तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा कि टुडे को हम डेड डे में बदलते हैं, है ना, एस्टरडे को हम प्रीवियस डे में बदलते हैं, और जैसी चीज आएगी मैं आपको बताता चलूंगा, तो इसको याद रखना। अब आइए चेक करते हैं कि सेकंड क्यों नहीं होगा, थर्ड क्यों नहीं होगा, फोर्थ क्यों नहीं होगा, सेकंड देखिए क्यों नहीं होगा। कहता है कि द लाइब्रेरियन, कहता है कि सेड किया, डेट किया, लाइब्रेरियन सेड, डेट सही है। उसके बाद यहां पर आपको क्या, ही हैड नॉट, यहां तक सही जा रहा है, रिटर्न हिज बुक, यहां तक सही है। देखिए स्टडे को स्टडे ही लिख दिया, स्टडे चेंज नहीं किया, जबकि सेंटेंस में स्टडे है ना, स्टडे हमारा चेंज होगा किसमें? प्रीवियस डे में, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड क्यों नहीं होगा उसे देखते हैं, थर्ड में कहता है कि द लाइब्रेरियन सेड द बुक, द लाइब्रेरियन सेड द बुक, लाइब्रेरियन ने बुक से कहा, सेंटेंस फिनिश, गलत, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, आगे सेंटेंस में क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसको बनाया, द बुक को, सेंटेंस ऐसे गलती कर दिया पूरा का पूरा। आगे कहता है कि द लाइब्रेरियन सेड डेट यू हैड नॉट रिटर्न योर बुक एस्टरडे, इसमें भी देखिए एस्टरडे को चेंज नहीं किया, यहां भी एस्टरडे को चेंज नहीं किया, दैट्स वाई हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एट लास्ट हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर वन। एक एक पहलू को मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आपने जहन में बैठा कर रखिएगा, है ना, ताकि जब फिर आप कभी बनाए नरेशन वगैरह, सब चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज एगो सेड जैक, फिर यहां पर आप देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के लास्ट में कर दिया, नो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फिर क्या कहता है कि आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज एगो, और आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी जब सेड है अर्थात ये पास्ट में है ना, पास्ट में है, तो अभी जो ये पार्ट आप जो देख रहे हो, जो कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है, इसका हमें टेंस को चेंज करना है। एक तो जेन बात आ गई, दूसरा साहब ये देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, असर्टिव, बिल्कुल सही, क्यों असर्टिव? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है कोई नाउन या प्रोनाउन होता है ना। अब यहां पर देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से शुरुआत है आई, है नहीं, हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो अब एक चीज तो बात आ गई कि चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास आप देख रहे हैं ये कहां है, मैं चेंज होगा दैट में, है ना, असर्टिव सेंटेंस होगा तो इन्वर्टेड कॉमा आपका कहां चेंज होगा, दैट में, दैट में चेंज होता है। अब आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। जैक सेड, तो आप जान रहे हैं कि जो जैक सेड है तो सेड का सेड ही होगा, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्लियर है जैक सेड। अब आप जान रहे हैं कि चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमास को हम डैट में चेंज करते हैं, डेट इज अ डैट, वेल डन, बहुत अच्छा। अब कहता है कि आई फिनिश्ड इट, किस टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट, याद करो पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस भी टू, याद करना मेरा पैसिव वॉइस का सारा वीडियो, मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव का रूल समझाया है कि सेंटेंस एक्टिव में है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव में तो उसका क्या होगा, एक बार देख लो उसको, नरेशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्या कहता है कि जैक सेड सॉरी आई फिनिश्ड, तो आई फिनिश्ड किस टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट है तो जाएगा कहां, पास्ट परफेक्ट, बोले तो हैड प्लस वी थ्री,
तो फिर आगे साहब डेट, अब कहता आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन मैंने अभी आपको बता दिया है ना कि फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का आपका सब्जेक्ट क्या है आपका जैक है ना, तो आई चेंज करेंगे जैक के अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिलेगा ही है ना, चूंकि जैक एक किसी लड़के का नाम है, आप जानते हैं लड़के के नाम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ही यूज करते हैं है ना, तो फिर आएगा ही। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड से नहीं फर्स्ट से देखते हैं, तो फर्स्ट में कहता है कि जैक सेड डेट, उसके बाद ही तो सही है, उसके बाद हमें क्या चाहिए था पास्ट परफेक्ट ना, हैड प्लस भी थ्री, हैड प्लस भी थ्री नहीं, क्या सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में रहने दिया, गलत है ना। चेक करो पूरा नरेशन का देख लेना, और नरेशन में जब कभी भी आपको आंसर देखना हो ना, दो चीज देखिए, सेंटेंस को पहचानिए कौन सा सेंटेंस है, उसका देखिए उसका जो इन्वर्टेड कॉमास को सही से चेंज किया है कि नहीं किया है, पट से ना फिर आप उसका टेंस देखो, जब देखो कि इन्वर्टेड कॉमा टेंस बिल्कुल सही है, बाकी का देखो गलत किया हुआ है, टेंस में अगर गलती किए हुए है तो जो सही जो टेंस में सबसे पहले देख लीजिए कि जहां टेंस जो होना चाहिए उसमें गलती किए हुए कुछ ऑप्शंस में, उसको तो सबसे पहले आप क्रॉस करो तो वो आपका नहीं होगा, फिर आप देखो कि टेंस सही कहां किए हुए, देख लीजिए कि अगर दो ऑप्शंस में टेंस सही किए हुए फिर आप मिला लो इन्वर्टेड कॉमा, देखो कि दोनों में इन्वर्टेड कॉमा भी सही किए हुए, पर्सन चेक कर लो, एडवर्ब चेक कर लो, फिनिश है ना। तो आप सिर्फ टेंस और इन्वर्टेड कॉमास को आप अच्छे से पकड़ने लग जाएंगे, चेक करने लग जाएंगे, आपका लगभग क्वेश्चन उतना सही ही बन जाएगा। बहुत रेयर ऐसे होते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा भी गलत हो और जो इन्वर्टेड कॉमा सही हो और टेंस भी सही हो और फिर अदर प्रोनाउंस वगैरह में गलती करते हैं, सब बहुत रेयर होते हैं। तो दो पर हमारा सबसे पहली नजर रखना है, इन्वर्टेड कॉमा सही चेंज किया है कि नहीं और वर्ब सही से चेंज किया है कि नहीं। जैसे यहां पर देखो ना, यहां पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा सही चेंज तो कर दिया, वर्ब सही चेक नहीं किया, फिनिश, कहानी खत्म। आय कहता है कि जैक सेड इन्वर्टेड कॉमा, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो डेट आएगा, आएगा उसके बाद चूंकि क्या चाहिए आई फिनिश्ड, हमें हैड प्लस भी थ्री चाहिए, तो फिर क्या है कि यहां पर जैक के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हैड फिनिश्ड, बहुत बहुत सही होने की पॉसिबिलिटीज है। कहता है कि इट सेवरल डेज अर्लियर, अब याद रखिएगा, फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टर्डे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, उसी तरह याद रखिएगा कि जो वर्ड यहां पर आप एगो देख रहे हो, एगो क्या देख रहे हैं, एगो, इसको हम अर्लियर या बिफोर में चेंज करते हैं, अर्लियर या बिफोर में चेंज करते हैं, क्लियर है, इसको याद रखिएगा, अर्लियर या बिफोर में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। थर्ड और फोर्थ को भी चेक करते हैं, थर्ड में देखिए कहता है कि जैक से डेट, फिर ही फिनिश्ड, डेट तो सही, ही फिनिश्ड, हमें क्या चाहिए, ही हैड फिनिश्ड, गलत है ना। चार अगला क्वेश्चन है, चौथा जो ऑप्शन है उसमें क्या कहता है कि जैक से डेट, कहता है कि ही फिनिश, पूरा का पूरा गलती, क्योंकि ये सेंटेंस तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में करेगा तो फिनिशेज होना चाहिए है ना, वो भी नहीं है, सब गलती। तो आप देखो कि उमूमन जो ये एक ऑप्शन छोड़कर सभी में आप देखो तो टेंस में ही गलती कर दिया है, हैड प्लस भी इतनी चाहिए, यहां नहीं किया, यहां नहीं किया, है नहीं किया। मैं इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले टेंस चेक कर लो उसका, कि टेंस सही से चेंज किया है कि नहीं, अगर टेंस देखो कि सही चेंज किया है, इन्वर्टेड कॉमास पे आ जाओ, देख लो कि वो सही किया है कि नहीं, इतना सही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कि दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर इन्वर्टेड कॉमा भी सही है, टेंस भी सही है, तो फिर आप आगे प्रोनाउन और फिर एडवर्ब्स वगैरह को आप चेक करने लगोगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि आई वॉज डिगिंग द गार्डन वेन द डॉक्टर अराइव्ड, हरी रिप्लाइड, ठीक है ना, हरी रिप्लाइड, ठीक है। अब आप देखिए कि हरी रिप्लाइड पास्ट में हो गया, रिप्लाइड भी टू पास्ट में हो गया, तो अब जब पास्ट में हो गया तो अब समझ रहे हैं हम कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, इसका अपन को टेंस चेंज करना है, अब ये सेंटेंस जो हम देख रहे हैं कि असर्टिव ही है, नहीं सारा सेंटेंस अभी असर्टिव का ही आ रहा है, असर्टिव ही है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट इसका है आई है ना, अब असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा में डेट में चेंज करेंगे। एक बात, चूंकि ये पास्ट में है तो टेंस भी चेंज होगा है ना, अब यहां पर क्या है, वॉज डिगिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जान लीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अर्थात हैड बिन, अर्थात हैड बिन है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का में क्या होता है वॉज वर्ब प्लस वी फोर, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता हैड बिन प्लस वी फोर, अब अपने को इतना चीज चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ठीक है ना, कि हरी क्या कहता है कि रिप्लाइड, ठीक है, तो हरी रिप्लाइड को हरी रिप्लाइड भी कर सकते थे, या आपका ऑप्शन में सेड किया है तो नो प्रॉब्लम, तो फर्स्ट को चेक करते हैं, तो फर्स्ट में कहता है कि हरी सेड
ठीक है। उसके बाद ये कहता है डेट, अभी तक तो सही है डेट। उसके बाद देखिए टेंस में गलती किया, ही वॉज डिगिंग, क्वेश्चन में हमारा है कि आई वॉज अब डिगिंग है, यहां पर आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहां पर, हरी, हरी, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, है ना, ही, तो ही तो सही किया। उसके बाद वॉज डिगिंग नहीं साहब, ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस है, हमें हैड बिन चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है ना। सेकंड में कहता है कि हरी सेड, हरी सेड डेट, उसके बाद ही बिल्कुल सही, क्या ही आएगा यहां पर, आएगा ना, फर्स्ट पर्सन आई है, उसके अनुसार जब हरी से चेंज करेंगे तो हैड बिन भी सही है, डिगिंग है ना, हैड बिन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, ऑप्शन नंबर टू हमारा ही सही है, क्योंकि आप देखो इनवर्टेड कॉमा को भी डेट में चेंज किया है और फिर यहां पर हैड बिन भी है। अब साहब थोड़ा तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, ये क्यों नहीं होगा, ऑप्शन तो नहीं होगा सही लेकिन क्यों नहीं होगा, थोड़ा इसको देख लेते हैं ताकि समझ में आए। देखिए कहता है कि हरी सेड डेट, यहां तक सही, ही हैड बिन डिगिंग, यहां तक सही, द गार्डन, यहां तक सही। आगे कहता है व्हेन द डॉक्टर अराइव, अराइव क्यों साहब, हमारे क्वेश्चन में क्या है, द डॉक्टर अराइव्ड, अराइव्ड, यहां उसको अराइव किया गलत, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हो सकता है कभी कभी दो ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे जिसके आपके इनवर्टेड कॉमास और आपके वो जो टेंस होगा वो सही होगा, जैसे यहां पर देखो इन्वर्टेड कॉमा भी सही किया है और आप टेंस भी देख रहे हैं कि हेड बिल्डिंग यहां तक सही है, तो इसलिए मैं कहा कि पहले दोनों को देख लीजिए, जब ये देखो दोनों चीज अगर सही हो जाए तो आप अदर चीज को देखो जो चेंज होता है, जैसे यहां पर देखो चेंज करने में गलती किया था, चौथा ऑप्शन आप देखते के साथ गलती कर देंगे, क्यों, यहां पर है कि हरी रिप्लाइड पास्ट में ना, तो ही से सब में तो हरी सेड हो रहा था, यहां कर दिया है हरी सेज, सेज प्रेजेंट डिफरेंट, गलत, कहानी खत्म है ना, क्योंकि आप जो देखो रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में होगा वो उसी टेंस में होता है ना, उसको हम चेंज नहीं करते, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या है पास्ट में और यहां प्रेजेंट में कर दिया गलत, उसके बाद फिर वॉज डिगिंग देखो यहां भी गलत, ऑप्शन नंबर ये भी हमारा नहीं होगा, लास्ट बच ऑप्शन नंबर टू, तो सही क्या होगा ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आई विल पुट दिस की हेयर सेड द केयर टेकर, फिर आप देखो सेड द केयर टेकर है ना, और फिर कहता है कि आई विल पुट, अब देखिए ये पास्ट में है, सेड है तो पास्ट में है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अपन का चेंज होगा, और ये आप सेंटेंस देख रहे हो असर्टिव है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत आई से हो रही है, आई एक प्रोनाउन है, और आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट होते हो, सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, यही है ना, नाउन प्रोनाउन से शुरुआत है, तो अब अपने को चेंज करना है, तो अब तो दो बातें आ गई भाई कि एक तो टेंस भी चेंज होगा और असर्टिव सेंटेंस है तो इनवर्टेड कॉमास कायम चेंज होगा, डेट में चेंज होगा, अब चेक करते हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो विल आप देख रहे हो, विल समझ रहे हैं, विल जो आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि विल को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो विल चेंज हो जाता है वुड में, किसमें होगा, विल याद रखिएगा, विल जाता है चेंज होगा, विल चेंज होगा वुड में। अब आइए चेक करते हैं ऑप्शन, कहता द टेक केयर, द केयर टेकर, तो कहता द टेक केयर टेकर, द केयर टेकर सेज, गलत, क्यों गलत, ये हमारा सेड है साहब, तो यहां सेज क्यों किया, ठीक है ना, सेज क्यों किया, रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंजिंग नहीं करते, उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते, यहां सेड है, यहां भी सेड होना चाहिए, कोई कोई ना कोई पास्ट का आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में करते हैं, कहता है कि द केयर टेकर सेड, यहां तक तो अभी तक सही जा रहा है, द सेड, उसके बाद चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो डेट आना चाहिए, बिल्कुल सही है, उसके बाद क्या कहता है, आई, आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट आपका केयर टेकर है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, थर्ड, कोई केयर टेकर होगा उसके लिए तो हम ही यूज करेंगे ना, ठीक है, तो उसके साथ आपका यूज किया ही, यहां तक तो सही है, अब आगे गलत किया, क्यों, सेंटेंस में हमारा विल है, विल काय का में चेंज होता है वुड में, यहां विल को विल रख दिया है, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अगला कहता है कि द केयर टेकर सेड, यहां तक सही है, डेट क्लियर है, उसके बाद ही वुड, देखिए क्या क्या, ही वुड, विल को चेंज किया वुड में, ठीक है ना, पुट द की, पुट द की, ठीक है ना, अब कहता है देयर, पुट द की देयर, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ही सही होगा। अब यहां पर एक चीज आप एक्स्ट्रा फिर जानो, ठीक है ना, स्टरडे को प्रीवियस डे में बदल रहे थे, है ना, यहां पर भी इस तरह से याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपका है हेयर, तो याद रखिएगा
कि जब टेंस चेंज अगर हम करते हैं और फिर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में हेयर होता है तो उसको हम देयर में चेंज कर देंगे। रही वजह, देखिए यहां पर है हेयर और फिर यहां पर किया है देयर। याद रखिएगा कॉमन एरर्स में भी इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो हेयर को हम कहां में बदलते हैं, देयर में। फिनिश, जिस तरह स्टडे को आपने बता रहा था द प्रीवियस डे में। अब देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही होगा क्योंकि ये हमारा सारे रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं ये क्यों नहीं होगा। कहता है कि द केयर टेकर सेज, सेज क्यों, यहीं पे गलत कर दिया, सेज नहीं होगा, ऊपर सेट तो यहां पर सेज क्यों होगा, नहीं होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर फोर भी गलत। देखिए लास्ट बचता ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है आज भर बस इतना, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।